भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही गाड़ियों और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाई जा रही है। समझौते के मुताबिक सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगी। यह पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। इसके लिए 2 शर्तें तय की गई हैं। पहली ये कि दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी और दूसरी ये कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को पहले से इसकी सूचना देनी होगी। बता दें कि 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसा हालात बनाना है।